आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको श्री राम, जय जय राम मंत्र का अर्थ और उसके जप करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो बताना चाहूंगी। यह 7 अक्षरों वाला तारक मंत्र है। ये मंत्र श्री से आरंभ होता है और श्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। राम शब्द जो कि एक सुखधाम शब्द है, उसमें रा शब्द अर्थात राकार और माँ माकार से मिलकर बना है। रा अग्नि स्वरूप है, ये हमारे दुष्कर्मों का दाह करता है। माँ जल तत्व का प्रतीक है, जल आत्मा की जीवात्मा पर विजय का प्रतीक है। इस प्रकार इस पूरे तारक मंत्र का सार निकलता है शक्ति से परमात्मा पर विजय। योग शास्त्र में रावण को सौर ऊर्जा का कारक माना गया है। ये हमारी रीढ़ हड्डी की पिंगला नाड़ी में स्थित है। ये मंत्र साधारण सा दिखता है पर इस मंत्र में जो परम आनंद की शक्ति छिपी हुई है वो अनुभव का विषय है। जैसे नल खोलने से एकदम पानी आ जाता है, उसी प्रकार इस मंत्र के प्रभाव से एक विशेष प्रकार का आनंद की प्राप्ति होती है और मन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे भव उतरे पारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम जप करने से ही इंसान भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए हमें मन की शांति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए नित्य कभी भी कहीं भी सोते जागते उठते बैठते श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप बराबर करना चाहिए। इसका फल बराबर मिलता है। कहीं भी इसका जप करोगे आपके मन को शांति मिलेगी और आनंद की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।